प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट ए एंड प्लस क्यू चार्ज एट बी। ए बी इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल विच इज इक्वल टू 2a। O is the center of the dipole and therefore distance AO must be equal to distance OB, each equal to A. We want to find out electric potential at point P, which is at a distance r from center of the dipole. R vector is the position vector of point P. And line PO makes an angle theta with OB, that is angle POB is equal to theta. हम यहाँ क्या करेंगे, हम find out कर लेंगे electric potential at P due to plus Q charge, फिर हम find out कर लेंगे electric potential at P due to minus Q charge और फिर दोनों को add कर देंगे। तो चलिए देखें, electric potential at P due to plus Q charge, इसको हम V1 लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ओवर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज, दिस इज बीपी। हाँ, क्योंकि हमने बीपी को R1 कहा है तो V1 कितना हो जाएगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ओवर R1। अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसको हम V2 कह देते हैं। V2 इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्जेस माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज व्हिच इज AP। AP को हमने R2 कहा है तो ये आ जाएगा V2 इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बोथ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसको हम VR कह देते हैं। VR इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर्स की तरह ऐड हो जाएंगे। ये V1 है, V1 VR कितना हो जाएगा इक्वल टू V1 प्लस V2 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू ओवर R2। VR इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू को भी बाहर ले लेते हैं, क्यू और इसको बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 ओवर R1 प्लस माइनस 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 1 ओवर R2। तो ये आ गया। अब हम R1 और R2 को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ R, थीटा, A एंड डाइपोल मोमेंट। दिस इज डाइपोल मोमेंट व्हिच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इन टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे R1 और R2 को। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमें पता है, R1 और R2 आर नॉट नोन। अब ये करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे लाइन PO के ऊपर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम A एंड B। A एंड B से PO के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। अब B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए B से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए PO के ऊपर हम PO को एक्सटेंड करेंगे। ये एक्सटेंड कर लिया और
ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्सटेंडेड पीओ के ऊपर, इसको पॉइंट एम कह देते हैं, इसको एन कह देते हैं। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम ऑन एक्सटेंडेड पीओ एंड परपेंडिकुलर बी एन ऑन पीओ। अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी एम। ट्राइंगल ए पी एम में क्योंकि डाइपोल शॉर्ट है तो 2a इज स्मॉल एज कंपेयर टू r, r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a। तो जब a स्मॉल होगा तो ये इस ट्राइंगल में ए पी एम में ये लाइंस ए पी और पी एम अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी। आर टू कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एम। दोबारा देखें कि लेंथ ऑफ डायपोल इज शॉर्ट, हाफ ऑफ द लेंथ ए इज फर्दर स्मॉल, तो ये लाइंस ए पी और पी एम ऑलमोस्ट सेम होंगी। अब पी एम को क्या लिख सकते हैं, पी एम को लिख सकते हैं पी ओ प्लस ओ एम। पी ओ किसके बराबर है, आर के बराबर। ओ एम को फाइंड आउट कर लेते हैं इस ट्राइंगल में। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये 90 है, जब ये 90 है तो ये साइड ए ओ विल बी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ओ एम इज बेस। तो हम लिखेंगे ओ एम डिवाइडेड बाय ए ओ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कौन सी रेशो होती है, कॉस थीटा। ए ओ किसके बराबर है, ए के। तो ओ एम कितना आ गया, ओ एम इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो हम यहां ओ एम को ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहां आर टू को हम आर प्लस ए कॉस थीटा लिख लेंगे। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ आर वन। अब इस ट्राइंगल में आ जाइए, ट्राइंगल एन पी बी में उसी रीजनिंग से पी एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी बी, या पी बी आर वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर, पी एन के। पी एन को क्या लिख सकते हैं, पी ओ माइनस ओ एन। अब पी ओ कितना है, आर माइनस ओ एन। ओ एन को हम इस ट्राइंगल में से फाइंड आउट कर लेंगे। ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ओ एन बेस। ओ एन डिवाइडेड बाय बेस कितना, ओ बी। अगेन कौन सी रेशो, कॉस थीटा, यहाँ पर इस ट्राइंगल में थीटा। तो ओ एन कितना आ जाएगा, ओ बी कितना है, ए। तो ओ एन कितना आ जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओ एन की जगह ए कॉस थीटा लिखेंगे। तो अब आर वन को हम लिख पाएंगे आर माइनस ए कॉस थीटा। तो चलिए लिखते हैं, वी आर कितना आ जाएगा, आर वन की जगह आर माइनस ए कॉस थीटा, माइनस आर टू की जगह आर प्लस ए कॉस थीटा। आर टू यहां पर हमारे पास आया था, तो हमारे पास ये आ गया।
आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। यहां इधर 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये बी आ रहा है, यहां से 1 से मल्टीप्लाई हुआ आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ आर माइनस ए कॉस थीटा, ब्रैकेट को हटा देंगे तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, वी आर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई, यही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 ए कॉस थीटा, तो चलिए 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा 2 ए cos theta divided by r square minus a square cos square theta, ये आ जाएगा, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है आपके यहाँ, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए कि q into 2a, q into 2a is dipole moment, इसको हम लिख लेंगे, vr कितना आ गया, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2 ए की जगह पी कॉस थीटा, उसी तरह से आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब देखिए कि यहाँ आर इज लार्ज एज कंपेयर टू ए, देयरफॉर आर स्क्वेयर इज मच लार्जर एज कंपेयर टू ए, ए स्क्वेयर means a square is much smaller than r square, cos theta की maximum value होती है 1, तो ये term a square cos square theta can be neglected as compared to r square, और इसको neglect करके हम यहाँ 0 लिख लेंगे तो हमारे पास ये आ गया, ultimately हमारे पास expression आ गया Vr is equal to this. This is the expression for electric potential at P due to both the charges or due to dipole. अब देखिए कि यहाँ multiply कर लीजिए R से, R से divide भी कर दें, यहाँ भी R, ये cube हो जाएगा R cube. अब इसको देखिए P cos theta, P की direction ये है, P का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, OP के डायरेक्शन में क्या होगा, P cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है, तो P cos थीटा इनटू R, इसको लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट R वेक्टर, या P इनटू R इनटू cos थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर एंड R वेक्टर, तो यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ गया, स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू विद, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डाइपोल ए बी। चलिए डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस। नंबर 1, इफ पी लाइज, पॉइंट पी लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब फर्दर दो केसेस अराइज होते हैं कि पी इस साइड पर है या इस साइड पर, इफ पी इज ऑन प्लस क्यू साइड ऑफ डाइपोल, उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, अब पे जब इधर आएगा तो थीटा डिक्रीज हो रहा है और अल्टीमेटली यहाँ होगा तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो होगा तो इसको हम P
पी इंटू आर इंटू कॉस थीटा ओवर आर क्यू, एक आर हट जाएगा, ये आर स्क्वेयर हमने पहले भी देखा। तो इस एक्सप्रेशन में पी इंटू कॉस थीटा ओवर आर स्क्वेयर बी आर कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा, पी कॉस जीरो इज वन, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया पी ओवर आर विद ऑफ कोर्स वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इनटू पी ओवर आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इफ पी लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑन दिस साइड। चलिए अब सेकेंड केस लेते हैं, इफ पी इज ऑन माइनस क्यू साइड, उस केस में इस तरफ है पी, पी इस तरफ है, तो एंगल बिटवीन दिस आर वेक्टर एंड पी वेक्टर विल बी 180 डिग्री, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, पी इस तरफ आ जाएगा, तो और कॉस 180 कितना होता है माइनस वन, उस केस में कितना हो जाएगा वी आर वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कॉस 180 माइनस वन, तो ये जाएगा माइनस पी ओवर आर स्क्वायर। अब यहां देखिए कि पी जो वी आर जो है दिस इज इक्वल टू दिस माइनस, यहां प्लस या फिर इस तरफ होगा तो माइनस। अब कैसे वेरी करेगा वी आर, वी आर वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर वन ओवर आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए कि ये कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है फॉर ए गिवन डायपोल, तो वी आर वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इफ पी लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, तो उस केस में अब पी जो है इधर आ गया, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए कॉस 90 जीरो, तो वी आर कितना हो जाएगा जीरो सारे पॉइंट्स पे इक्वेटोरियल लाइन के। सो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड, थैंक यू।